चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेना, कैसे? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है काम भाई जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ईद लग रही है? ईद लग रही है, कोई नहीं लग रही है सब। अच्छा बाजी, क्या क्या खरीद रही है? फेशियल का सामान खरीद लिया? बाजी ईद के लिए मेहंदी खरीद रही है, परफ्यूम वगैरह, बॉडी स्प्रे, फेशियल वगैरह खरीद रही है। ये क्या बना के रखा? स्किन पॉलिश के डेमो दे रहे हैं। बाजी आए लगवाए, यही पे काम करा, लगवाए चिट्टे हो जाए। चिट्टा होने का बहुत शौक है बाजी जी? बना चिट्टा होने का बहुत शौक है बाजू? बाजू को तो चिट्टा होने का बहुत शौक है, इसलिए तो लगाती है, अगर ना होता तो ना लगाती। भाई जी कुछ सस्ता है या ये भी सब कीमतें ऊपर चली गई? सब कुछ महंगा हो गया बहना, महंगाई की वजह से कस्टमर दिल ही नहीं करे के कस्टमर ले ले, महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। जो कस्टमर पहले दो चीज़ें लेते थे, अब एक लेके जा रहा है। आहो, जब एक बहन भाई एक चीज़ लेके जाती थी, अब एक लेके जा रहे हैं, क्यों? महंगाई है, मेकअप पे बहुत टैक्स लग गया, हर चीज़ पे टैक्स लगा, महंगाई बहुत बढ़ी। नाजिन मेकअप तो खैर वैसे भी लग्जरी आइटम्स में आ जाता है, इस पर तो वैसे बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाते हैं, लेकिन अवामी राय आपके सामने है कि दुकानदार अपनी जगह अपनी परेशानी बता रहे हैं, हमारे लोग अपनी जगह अपनी परेशानी बता रहे हैं कि ईद की शॉपिंग करनी है लेकिन महंगाई बहुत है, लेकिन उसके बावजूद रौनक है बाज़ारों में और आवाम थोड़ी परेशान भी है, थोड़ी कोशिश कर रही है कि अपनी जेब के मुताबिक, अपनी इस्तेदात के मुताबिक जितना हो सके ईद की खुशियों में अपनी तैयारियां कर ली जाए। मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की दुआ।